पिया की एक करामत सुना था। इधर आ गए पाजा पिया का जब हुआ अजमेर में गुजर, कुछ लोग पहुँचे राजा की। सो गाइस ये है हमारा नेक्स्ट डे इस ट्रिप का। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्ला अलैही की ये जो झील है ना, तालाब है जिसको हम लोग अन्ना सागर कहते हैं। तो हम लोग फाइनली अन्ना सागर में पहुंच चुके हैं। आप लोग देखो ना यार कितना बड़ा है भाई, गजब। तो माशाल्लाह चलो काफ़ी सही लगा और मुझे यहाँ का काफ़ी हिस्टोरिकल बातें आप लोग को बताना है। तो अभी वीडियो में बने रहे, अभी मैं आप लोग को फुल टूर देने वाला हूँ। शायद यहाँ पे बोटिंग भी होता है तो मैं बोटिंग भी करूँगा, आप लोग को पूरा दिखाऊँगा, काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ठीक है, आप लोग को अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अभी ये हमारा डे टू है, डे वन में मैं आप लोग को वहाँ पे हजरत ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह अलैही की दरगाह शरीफ पे गए थे, ज़ियारत किए, आप सारे लोगों के लिए दुआ किए। अब चलो इसके आगे जाते और सब कुछ दिखाते। मुझे अंदर आए तो यहाँ पे 25 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लगा। तो हम लोग दो आदमी आए और हमारा साथ हमारे फैमिली भी है जो कि उन लोग उधर है। तो चलो अब आप लोग को दिखाते हैं। ये लोग दाना खिला रहे हैं। मछली दिखती है यहाँ से? अरे हाँ मछली भी दिख रहा है, बहुत सारा मछली है। अभी चलो हम भी दाना कहाँ पे खरीदे आप लोग? आटे हैं उधर से तो अभी जाएंगे नहीं। चलो हम लोग पहले दाना खरीदते हैं, हम लोग भी खिलाएंगे यार, काफी अच्छा लग रहा है। देखो ना कितना सारा मछली है भाई, मैं भी खिलाऊंगा अभी। अरे यहाँ पे कितना सारा पक्षी वगैरह है। हम लोग बोटिंग भी करने वाले हैं, आप लोग को बोटिंग भी दिखाऊंगा। हाँ इधर बोटिंग, चलो इधर ही देख लेते हैं एक बार। ठीक है पहले दाना खिलाते हैं। वो देखो यार कितना बड़ा है, आप लोग समझ सकते हैं हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्ला अलैही में इतना ज़्यादा ताकत, इतना ज़्यादा पावर है जो कि एक कासे में पूरे इसको समेट लिए थे पानी को। वाह माशाल्लाह कितना बड़ा तालाब आप लोग देख सकते हैं। आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी आँखों से इतना दूर देखा भाई, यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। कितना बड़ा है और देखो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आते रहते हैं। तो चलो अभी उस साइड चलने वाले हैं। ये सुन के सर झुका के कहा उस मुरीद ने, पानी में कैसे लाऊं बता दीजिए मुझे। इधर की तरफ देख रहे कितना तो मजा आ रहा है। चलो अभी बोटिंग करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना टिकट प्राइस लग रहा है बोटिंग का। मैं बताता हूँ सुन गौर से जरा, कासा यहाँ जो रखा है तू उसको ले उठा, उसका करके जानी पे तालाब बोलना। गाइस हम लोग फाइनली 125 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लग रहा है बोटिंग करने के लिए। तो हम लोग बोटिंग का टिकट भी ले लिए ये भाई। हाँ भाई 125 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लगता है राइड करने के लिए। चलो राइड करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला, आप लोग लास्ट तक बने रहना। वाओ क्या व्यू आ रहा है भाई, गजब। चलो इसके अंदर चलते हैं। काफ़ी वैसे बोटिंग काफ़ी बार कर चुका हूँ लेकिन यहाँ पे जब आ ही गया तो सोचा बोटिंग भी कर लेता हूँ यार। आज सामने सामने से मछली देखूंगा, फोन सही से यार गिर जाएगा। वाओ क्या बात, तुझे बुलाते हैं ख्वाजाए ख्वाजगा। अबे भाई ये तो पूरा स्पीड में आ रहे हैं, कितना मजा आता होगा यार, पूरा घुमा दिए एकदम दो मिनट में, इधर उधर से उधर 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 ले आए। चलो देखो कितना मस्ती के पूछते हैं कैसा लगा, फैमिली बैठा हुआ यार। बहुत जल्दी आ गए आप लोग, बहुत जल्दी आ गए, 3 मिनट बस। कैसा लगा आप लोग को, मजा आया ना? चलो अब हम लोग कब आ रही है? तो फाइनली हमारा स्टार्ट हो गया। यो कितना बड़ा है भाई, खबर हो गया गजब, तालाब में जो पानी था गायब हुआ वो सब, प्यासा हमारी पांव को मरना पड़ेगा अब। राजा ये सुन के बोला कि ये उसका काम है, राजा ये सुन के बोला कि ये उसका काम।
शख्स से फजूल, मैंने लड़ाई मोल ली इस शख्स से फजूल, बेहतर है जो भी शर्त है कर लूं उसे कबूल, बोला कि मुझ पे फर्ज है ताजीम आपकी, ये एक शर्त है मुझे तस्लीम आपकी, राजा ने पानी देने का जब वादा कर लिया तो आपने जमीन को इस तरह से कहा, तू जल्द इनको छोड़ दे ये हुक्म है मेरा। मीरा सैयद हुसैन अपने तमाम साथियों के साथ अपने परवरदिगार की बारगाह में मसरूफ़ इबादत हो गए। और जादूगर ने जब ये माजरा देखा, मुझे आया काफी कहने लगा, बताता हूँ उतर के लोगों को इस कैफियत का फायदा उठा, इंतजार कर रहे हैं। यो आगे फाइनली अभी इन लोगों पर कोई ऐसा वार किया जाए जिसके नीचे दबकर सब के सब खत्म हो जाए। चलो तो फाइनली हम लोग बोटिंग से बाहर आ गए, काफी ज्यादा मजा आया, ठीक ठाक था। चलो फाइनली पहले बाहर चलते, हमारा भैया लोग वेट कर रहे हैं यार काफी समय से। चलो बहुत मजा आया। इधर ही लोग भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। यो अभी हम लोग इधर ही गए थे। तो गाइस फाइनली हम लोग बोटिंग कर लिए, काफी ज्यादा मजा आया, काफी ज्यादा मजा आया। आप लोग भी अगर कभी भी अजमेर शरीफ घूमने के लिए आ रहे हो, जियारत करने के लिए आ रहे हो, तो आप लोग अन्ना सागर जरूर आना, ठीक है। काफी मजा आता है, काफी ज्यादा मजा आया। और यहाँ पे हाँ बोटिंग दो तीन तरह का होता है, ठीक है। तो आप पहले डिसाइड कर लेना कौन सा बोटिंग करना है आपको। हम लोग जिसमें किए उसमें उतना ज्यादा मजा नहीं आया, तो आप उसे और नेक्स्ट लेवल वाला में भी कर सकते हो। हमको पता नहीं था कि इसे भी और अच्छा वाला होता है। तो आप लोग ये चीज का ध्यान रखना। बाकी और बाकी काफी मजा आया, काफी अच्छे लोग यहाँ पे थे, बहुत मजा आया। अन्ना सागर इस साइड में और इस साइड में देखो कितना मस्त नेचर के टाइप में बनाया गया है, गार्डन के टाइप में। काफी लोग इधर एंजॉय कर रहे हैं, तो अभी अपन के पास उतना समय नहीं है इसीलिए, वरना इधर भी जाते। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी आऊंगा, फिर आप लोग को पूरा अच्छा से उधर भी दिखा दूंगा। चलो अभी तो थक भी गए यार। सजन रे पास तो आना ना। तो गाइस अन्ना सागर जब भी आप लोग आ रहे हो तो अन्ना सागर के जस्ट बगल में ही ना आईफिल टावर होता है, सात अजूबे होता है, यहाँ पे ताजमहल भी है, बहुत सारे एक्टिविटी टाइप में बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आप लोग अगर आना ना तो यहाँ पे इस पे भी घूम लेना, जस्ट बगल में ही है, अन्ना सागर के जस्ट बगल में ही है, ठीक है। चलो आप लोग को भी दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा बना हुआ, ताजमहल भी बना हुआ, इधर आईफिल टावर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अभी आप लोग को और यहाँ पे बहुत सारे फोटोज वगैरह में खिला सारा जो भी क्लिक करवा रहा हूँ सब कुछ आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आप चेकआउट करते रहना, जाके चेकआउट कर लेना एक बार इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बहुत सारा रील्स वगैरह फोटो वगैरह बहुत सारा ये ट्रिप को मैंने बना रखा हूँ, तो जाके आप लोग सारा चेकआउट करना। चलो अभी इस तरफ जाता हूँ, बहुत कुछ यहाँ पे बना हुआ, सात अजूबा है, ठीक है। चलो चलो सात अजूबा का पूरा पूरा फुल टूर भी दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके जस्ट बगल में यार ये वास्तव वंडर पार्क एक नंबर है यार, अगर आप लोग यहाँ पे कभी भी आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर आना, काफी सही है, बहुत सही है। जो जगह छोटा ही है लेकिन मजा बहुत सही आ रहा है यहाँ पे, अन्ना सागर के जस्ट बगल में ही है। अगर आप ऑटो से आ रहे हो तो ऑटो से आ रहे हो तो 10 रुपए लगेगा, अगर आप पैदल आ रहे हो तो पैदल भी आ सकते हो। देखो दिखाता हूँ आपको, यो ऊट, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में ऊट वाला वीडियो बना लिए, अगर आप देखना चाहते हो तो बोला देख लेना, मैं आई बटन में लगा दूंगा। देखो पूरा फैमिली ट्रिप वाले लोग ही आते हैं आप भैया से, चल देखो। चलो उधर रील बन रहा है,
यो बेटी इधर 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 आओ इधर आओ चला 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 तो मस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ से इधर आरसी इधर आ जाओ यो गाइस तो चलो जहाँ रात कटे वहीं आ एक साथ पले हाला चल भाग चले कहिया जहाँ रात कटे वहीं आ एक साथ ढले अब आ हाँ कुछ कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो मुझे कमेंट में बताना और यहाँ से हमारा ट्रिप होता है एंड तो अगर अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना एक लाइक कर देना एक शेयर कर देना तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए व्लॉग के साथ आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा पसंद आ गया होगा अगर सही नहीं लगा तब भी मुझे कमेंट में बता सकते हो आप ठीक है और ऐसा ऐसा और वीडियो देखना चाहते हो तभी मुझे कमेंट में बता सकते हो आपको कैसा लगा वो एक लाइक कर देना शेयर कर देना ठीक है सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए व्लॉग के साथ कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना बाय।